हेलो स्टूडेंट्स हावर यू आई होप यूर आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी येस टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नेम इज़ द थ्री रनर्स सो लेट्स बिगिन विद वर्ड्स फर्स्ट इज परमिट परमिट क्या होता है किसी से परमिशन लेना एक्सक्लूसिव किसी चीज को एक्सक्लूसिव करना ओपन करना बताना कंपेनियन कोवर्कर्स co होते हैं फंबल मींस होता है इधर उधर सोचना ठीक है जब कई बार हम सोचने लग जाते हैं तो हम फंबल करने लग जाते हैं ठीक है मतलब क्या होता है एग्जेक्टली exactly नहीं बोल रहे हम फंबल कर रहे हैं उस चीज को कैसे बोल रहे हैं एग्जैक्ट ना बोलकर उन वर्ड्स को ऊपर नीचे बोल रहे हैं करना किसी का पीछा करना सो लेट्स बिगिन नॉट वेरी लॉन्ग एगो इन साउथ अफ्रीका द वाइट पीपल रूल द कंट्री दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द ब्लैक पीपल देर वर मेनी एरियाज इन विच ओनली द वाइट एंटर these included colonies parks hotels swimming pools gyms, etc most of the laborers there were the blacks sometimes they had to enter the whites only areas for work for example a black electricians or plumbers but they needed a permit without permit if they entered they would be arrested so एक लॉन्ग टाइम ठीक है साउथ अफ्रीका में बात है बच्चे नॉट वेरी लॉन्ग एगो ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात को साउथ अफ्रीका में क्या होता था द वाइट पीपल रूल्ड द कंट्री वहां पर उन जो साउथ अफ्रीका है उसको रूल कौन करता था वाइट पीपल रूल करते थे उस कंट्री को और वो डिस्क्रिमिनेट करते थे किन के अगेंस्ट ब्लैक पीपल के अगेंस्ट ठीक है इवन जो ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेट करना क्या होता है बच्चे बीच में अंतर करना ठीक है कि आपस में क्या करना वाइट ऐसा करेंगे ब्लैक ऐसा करेंगे तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करते थे अगेंस्ट द ब्लैक पीपल देर वर मैनी एरियाज बहुत सारे ऐसे एरिया थे बच्चे जहाँ पर व्हाइट ही जा सकते थे ब्लैक एंटर नहीं कर सकते थे जैसे कि कॉलोनीज थी पार्क्स थे होटल थे स्विमिंग पूल्स थे जिम्स थे ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जगह थी सिर्फ वो और सिर्फ वो किसके लिए खुले थे वाइट पीपल के लिए मोस्ट ऑफ द लेबर्स जो थे ठीक है दे वर द ब्लैक्स अगर वो ब्लैक थे तो वो तभी एंटर कर सकते थे अगर वाइट ऐसा चाहते ठीक है अगर वो बिना परमिशन के चाहे वो ब्लैक होते हैं प्लम्बर होते हैं अगर विदाउट परमिशन वो उनके एरिया में चले जाते तो उनको पनिश किया जाता था और या फिर अरेस्ट कर लिया जाता था इट वॉस ड्यूरिंग दिज टाइम्स दैट वंस टू मिडल एज ब्लैक्स मैट इन अ वाइट ओनली सेक्शन ऑफ द कैपिटल और ये क्या था ड्यूरिंग दिज टाइम्स इस टाइम के दौरान ही वंस टू मिडल एज ब्लैक्स मेट इन अ व्हाइट ओनली सेक्शन ऑफ द कैपिटल वन ऑफ देम हैड अ परमिट टू वर्क इन द एरिया बट द अदर डिड नॉट दिस मीन्स ही कुड बी पुट बिहाइंड बार्स फॉर द ट्रेस पासिंग इन टू द एक्सक्लूसिव जोन तो क्या होता था बहुत सारी ऐसी चीजें थी मैंने अभी बताया बच्चों कि वर्क करने के लिए भी ठीक है वर्किंग एरिया भी ऐसे थे जहाँ पर ब्लैक अलाउ ही नहीं करते थे ठीक है वहां पर नहीं जा सकते थे ना ही वो काम कर सकते थे इसका मतलब ये है कुड बी पुट बिहाइंड बार्स और उनको कहा रखा जाता था एक अलग एरिया में ठीक है उनके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव जोन एक बना दी जाती थी वहीं से वो आसपास जा सकते थे और उसी एरिया को ही कवर कर सकते थे अचानक से वो क्या करते हैं पुलिस वाले दे सो आ पुलिस मैन और पुलिस मैन को देखते हैं जो उनकी तरफ आ रहे हैं और वो कंफ्यूज हो जाते थे ठीक है क्या हो गए कंफ्यूज हो गए बी मींस क्या होता है बच्चे उन्होंने भागना शुरू किया तो पुलिस मैन जोर जोर से चिल्ला रहा है की स्टॉप स्टॉप मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ रुको फाइनली ही कॉर्ड द सेकेंड मैन और सेकेंड मैन को पुलिस ने पकड़ लिया डिड यू थिंक यू आउट रन मी ही इज नॉल शो मी योर पर मैन प्लेइंग फॉर समाइनली प्रोड्यूज हिज परमिट अब उसके बाद क्या होता है तो पुलिस मैन गुस्से में बोलता है कैसे बोलता है कि तुम मुझे दौड़ा रहे हो और तुमने परमिशन ली है शो करो अपना परमिशन कार्ड और वो फंबल करने लग जाते हैं ऐसे लड़खड़ाई आवाज में बोलने लग जाते हैं और अपनी पॉकेट से निकालते हैं क्या फाइनली प्रोड्यूज हिज परमिट और 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 उसको उसको ले लेता है। है कही है। कहीं कहीं ना क्या हुआ कि कोई ट्रिक इनको परमिशन नहीं मिली जो दूसरा मैन था वो तो बहुत दूर जा चुका था उनकी पहुंच से भी बाहर वेन यू हैनिम्ड इन एंगर और वो जो जोर से गुस्से में चलाते हुए बोलता है जब तुम्हारे पास परमिट है तो तुम क्यों भाग रहे थे माई डॉक्टर डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि मैं हमेशा एक माइल दौड़ू एवरी इवनिंग आई नो यू आर ट्रिकिंग मी स्ट दुलिस मैन देन वाई वॉज योअर फ्रेंड रनिंग तो क्या बोलता है मुझे पता है तुम्हारी ट्रेक है और इस तरह से पुलिस मैन बोलते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो क्यों भाग रहा था हिज डॉक्टर ट्रू हैज एडवाइज हिम टू रन सेट द मैन और क्या बोलता है कि कि जो जो उसका डॉक्टर है 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 उसने भी उसको एडवाइस किया है भागने के लिए। the policeman became red with anger, और और वो गुस्से में लाल हो हो? गया। you think you are very smart, don't you? So, क्या बोलता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते बट टेल मी इफ यू वर ओनली रनिंग फॉर योर हेल्थ वाई डेंट यू स्टॉप वेन यू सो द रनिंग आफ्टर यू एंड डोंट टेल मी यू डेंट सी मी चेजिंग यू आई नो यू डेट सो so, बोलता है अच्छा तुम ऐसा ही था तो तुम रुके क्यों नहीं और क्यों मुझे पीछे पीछे दौड़ा रहे थे मुझे सही बताओ कि बात क्या है ऑफ कोर्स आई न्यू यू आर रनिंग आफ्टर मी सेट द मैन कामली और कहता है कि पक्का है कि आई नो यू वर रनिंग आफ्टर मी हाँ मुझे पता है कि आप हमारे पीछे दौड़ रहे थे और वो कामली कामली मींस होता है शांति से बोल रहा था इस तरह से ठीक है वो आराम से उसको जवाब दे रहा है देन वाई डेंट यू स्टॉप आज द पुलिस मैन ट्रेंडली और ट्रेम क्या पूछता है एकदम कि ये बताओ अच्छा तुम रुक क्यों गए अब इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी सेट द मैन बट आई थॉट यू ट्रू हैड बीन है टू रन बाय योर डॉक्टर तो मैं स्टूपिड हूँ और मैंने ऐसा समझा शायद कि आपके डॉक्टर ने भी आपको ऑर्डर दिया है कि क्या करना चाहिए आपको भी भागना चाहिए दौड़ लगानी चाहिए है ना तो थी ना बच्चे इंटरेस्टिंग स्टोरी आई होप आपको समझ में आयोगी उसको दोबारा से रीड आउट करेंगे समझेंगे और इंटरेस्टिंग स्टोरी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सरसाइज को खुद अपने आप से करेंगे